चांपा ओवर ब्रिज को रोशन रखने यूं तो दोनों और स्ट्रीट खंबे गड़े हैं, लेकिन इनमें से आधे खंबों की बत्ती गुल है। दोनों ओर में से कुछ खंबों की लाइट बंद थी और ब्रिज के आधे हिस्से में अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में समझ से परे है कि विद्युतीकरण में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ओवरब्रिज में रात के समय गुजरने वाले लोगों को अंधेरे के बीच सफर करना मजबूरी है, या जिम्मेदार विभाग के अधिकारी खुद अंधेरे में है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बत्ती गुल खंभों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे तो यही लग रहा है कि एक के बाद एक गुल होते खंभों की संख्या बढ़ते क्रम है। इस ब्रिज में से आवागमन अब जाकर करने को मिल रहा है, लेकिन इससे भी रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिम्मेदारों को ब्रिज का अंधेरा नजर नहीं आ रहा। अंधेरे में चलते यहां पर हादसा होने के खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विधायक ने इस ओवर ब्रिज की लाइट नहीं जल रहा है तो अतिशीघ्र जलाया जाए। पीडब्ल्यूडी से बात होने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। लाइट लगना चाहिए, अंधेरा है, मेंटेनेंस बार बार दुर्घटना हो, जनधन की हानि हो, शासन को देना है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक हफ्ते में मेरी पूरी टीम के साथ चक्का जाम की स्थिति, जवाब जिला प्रशासन का हो। चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न होगी जिसके जवाबदार जिला प्रशासन की होगी। कि आपका जो ओवर ब्रिज में लाइट नहीं जल रहा है, अतिशीघ्र उस लाइट को भी जलाया जाए। ईपीडब्ल्यूडी का कथन है कि टीएल की भी बैठक में इस विषय में बात हो गई है, परंतु क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि लाइट लगना चाहिए वहां पे, अंधेरा है करके मेंटेनेंस भी होगा, लाइट भी लगाने की बात हुई है, क्योंकि बार बार दुर्घटना हो, जन धन की हानि हो, तो उसके लिए जवाब शासन को तो देना है ना। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक हफ्ते के अंदर पूरी टीम के साथ यहाँ पे चक्का जाम की स्थिति होगी, उसके लिए संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी।